हुकूमत से कभी इलाज की दरखास्त की ना ही करेंगे। हुकूमत में बैठे खौफ खुदा से आरी इंसानों ने मेरी वालदा की बीमारी का मजाक उड़ाया। मरियम नवाज का ट्वीट, उनका मजीद कहना है कि इसी हवाले से मजीद जानते हैं अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, मजीद क्या कहना था मरियम नवाज का? उन्होंने जो है यके बाद दीगरे चार ट्वीट किए हैं मरियम नवाज साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आजमाइश आई मगर तवक्कल अल्लाह पर रखा। हुकूमत से ना कभी इलाज की दरखास्त की ना करेंगे। उनका कि उनकी मरहूम वालिदा जब बिस्तर मर्ज पर थी तो जो मौजूदा हुक्मरान है इन्होंने उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया। उनका यह भी कहना था कि जुल्म की रात छोटी मगर इसकी पकड़ बहुत बड़ी होती है। इसके बाद साथ उनका यह भी कहना था कि एक के बाद दूसरा बोर्ड और एक अस्पताल के बाद दूसरा अस्पताल, पहले PIC फिर जेल फिर सर्विसेज अस्पताल, जहाँ इमराज कल का शोभा ही नहीं है। उनका कहना था कि PIC ले जाने की कोशिश की, मियाँ साहब ने साफ इनकार किया कि वो ना खाना बदोश है ना ही तजीक का निशाना बनने को तैयार है, उन्हें वापस जेल भेजा जाए। तीसरे ट्वीट में उनका कहना था कि वो चुप रहकर सब कुछ सहा और मांगा तो सिर्फ अल्लाह से, किसी चीज पर सियासत नहीं की, मगर अब अगर मेरे वालिद की। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी।